नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको राजस्थान में विभिन्न राजपूत राज्यों की स्थापना पर अपनी बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में राजपूत राज्यों का भरमार रही है, और जो सबसे प्रसिद्ध हमारे यहाँ का राज्य रहा है वो है मेवाड़। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 565 ईस्वी में की गई थी। वह गुजरात के आनंदपुर से आया था। उस समय मेवाड़ में भीलों, ग्रासियों और मीणों के जनपद थे। इस वंश की आठवीं पीढ़ी में बप्पा रावल हुए। वे मान प्रतापी नरेश सिद्ध हुए। उनके शासनकाल के उपरांत ही मेवाड़ एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ। मेवाड़ में गुहिल वंश सिसोदिया घराने से निकले चार सरदार ने अपने अपने अलग राज्य स्थापित किए। मेवाड़ में रावल समर सिंह ने मेवाड़ के दक्षिण में 1177 ईस्वी में बागड़ राज्य की स्थापना की। 1527 में बागड़ के महारावल उदय सिंह राणा सांगा के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात बागड़ के दो राज्यों में विभक्त कर दिया गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो तीसरा राज्य प्रतापगढ़ देवलिया था, जिसकी स्थापना 1561 ईस्वी में मेवाड़ घराने के रावल बीका ने की थी। चौथा राज्य शाहपुरा का था। यह मेवाड़ के उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापना महाराणा अमर सिंह के पौत्र सुजान सिंह ने 1631 में की। मारवाड़ जोधपुर, जिसे हम जोधपुर के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में मारवाड़ के दो प्रतिहार राज्य थे, मांडक्यपुरा जिसे मंडोर कहा जाता है और भीनमाल। मंडोर की स्थापना 6वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की। इसके वंशज नरमाल 625 से 650 ने मेड़ताम को अपनी राजधानी बनाया। 1739 में मारवाड़ के क्षेत्रीय प्रतिहारों ने चावंडों को परास्त कर भीनमाल की स्थापना की। नागवट ने इसको अपनी राजधानी बनाया। राठौड़ वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में कन्नौज पर राठौड़ों का शासन था। 1193 में शाहबुद्दीन गौरी ने चंद्रावल को परास्त करके उसके पौत्र सिंहा को 13वीं शताब्दी में मारवाड़ आने को बाध्य किया। उसने प्रथम पाली पर अधिकार किया। धुआड़ उसी का वंशज था। उसी के वंशज मल्लीनाथ ने मुहावो पर अधिकार किया, और उनके अनुज वीरमदेव ने जोधपुर। 1383 में उनकी मृत्यु के उनके पुत्र चुंडा ने मंडोवर पर अधिकार किया। रणमल अधिकांश ने मेवाड़ में अपनी बहन हंसाबाई के साथ रहा। 1543 में रणवन के पुत्र जोधा मंडोर का स्वामी बना। 1469 में जोधा ने चिड़ियाटोक पहाड़ी पर किले की नींव रखी। उसने जोधपुर बसाया और मंडोर के स्थान पर उसको अपनी राजधानी बनाया। बीकानेर राज्य की स्थापना जोधपुर नरेश जोधा के पुत्र बीका ने 1465 ईस्वी में की थी। किशनगढ़ भी राठौड़ों का ही राज्य था। इसकी स्थापना 1609 में जोधपुर नरेश उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की। आमेर, यहाँ के नरेश अपने को कछवा वंश मानते हैं। 10वीं शताब्दी में नरवर नरेश के पुत्र दुर्लभ राज ने दौसा के बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा राज्य की नींव डाली। 1037 में उनके पुत्र कोकिल ने सुरावत मीणों को परास्त कर आमेर पर अपने अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अलवर, 11वीं शताब्दी में मेवात अजमेर के चौहानों के अधिकार में था, लेकिन 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा युद्ध में मारा गया तो मेवात स्वतंत्र हो गया। 14वीं शताब्दी में मेवातियों ने इस्लाम स्वीकार किया। उनके सरदार अहमद खान ने लोधी सुल्तानों की अधीनता स्वीकार की। 1482 में उन्होंने राजपूतों से अलवर छीन लिया और उन्हें अपनी राजधानी बनाया। उनका उत्तराधिकारी हसन का मेवाती ने 1526 में सुल्तान इब्राहिम को लोधी की तरफ से लड़ता हुआ युद्ध पानीपत के युद्ध में मारा गया। परिणामतः अलवर मुगल राज्य का अंग बन गया। आमेर नरेश जय सिंह ने मौजाबाद के कछावा सामंत कल्याण सिंह नरूपा को मोरजरी का जागीर प्रदान की। उनके वंशज प्रताप सिंह ने भरतपुर के शासक जवाहर सिंह को परास्त कर आमेर नरेश माधो सिंह को प्रसन्न किया। माधो सिंह ने उन्हें राव राजा की उपाधि से अलंकृत किया था।
जैसलमेर के नरेश अपने आप को चंद्रवंशी यादव बताते हैं। कहा जाता है कि जब द्वारका में कृष्णवंशी यादवों को निकाल दिया गया तो वे सिंध पंजाब की सीमा प्रांत पे आ गए। जन श्रुतियों के अनुसार सियालकोट के यादव शासक धीरज भाटी के उत्तराधिकारी के मंगल राव ने महमूद गजनी को आक्रमण करके थार के रेगिस्तान में अपना डेरा डाला था। इस प्रकार से उसके उनके पुत्र तन्नो ने तन्नोट बजाया। तो कहने का मतलब ये है कि हर राजस्थान के हर राज्य का अपना एक अलग इतिहास रहा है। भाटी जो राज्य भाटियों ने जो अपना जो जोधपुर में राज्य स्थापित किया उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि देवराज ने 1757 में मंडोर के प्रतिहारों को परास्त करके मारावल की पदवी हासिल की और उसी के वंशज विजयरादित्य ने जब राजा बना तो उसने अरबों के मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोककर पड़ोसी नरेश द्वारा उत्तर सीमा का प्रहरी का विरुद्ध प्राप्त किया और 1155 में अपने जैसलमेर बनाया बसाया था। लोदरवा के स्थान पर उसने अपने राज्य की राजधानी बनाया। करौली के नरेश भी अपने आप को कृष्ण के यादव ही मानते हैं। इसका वंश इच्छपाल ने 879 में मथुरा का शासन करता था और उसी के वंशज विजयपाल ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर आकर अपना राज्य स्थापित किया। इसी प्रकार हाड़ौती राज्य बूंदी वर्तमान में बूंदी कोटा झालावाड़ संयुक्त रूप से हाड़ौती कहलाते हैं। प्रारंभ में बूंदी एक राज्य था। 1242 में जब हाड़ों ने प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने बूंदी घाटी में उषा मीणा एवं कोटा के भीलों के जनपद स्थापित थे और इसी के वंशज माणिकचंद द्वितीय को मेवाड़ के पूर्व अंचल में बसना पड़ा था। इसी के नाम पर एक वंश का नाम हाड़ा और प्रदेश का नाम हाड़ौती पड़ा। 14वीं शताब्दी में देवी सिंह राजा बना और उसने मेवाड़ के राणा महाराणा लाखा की सहायता से मीणों से बिंटू घाटी छीन ली। इसके उपलब्धि उस उपलब्धि के उपरांत उसके खानपुर पाटन लाखेरी धनौली करवाड़ आदि पर अधिकार कर लिया। इसी तरह कोटा को जन्म देने वाला मुगल सम्राट शाहजहां था जिस 1631 में शाहजहां ने राव रतन की मृत्यु पर उसके छोटे पुत्र माधव सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक बना दिया था। इस प्रकार से सिरोही राज्य बनने से पूर्व मौर्य क्षत्रप चावड़ गहलोत और सोलंकियों के प्रभाव में रह चुका था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय सिरोही के शासक दुधुक परनवार थे जो गुजरात के सोलंकियों के सामंत थे। सिरोही पर मरमानों का शासन 1311 ईस्वी तक रहा। इसके उपरांत जालौर के चौहानों के देवड़ा शाखा के राव लुमा ने आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था। लुम्बा के उत्तराधिकारी सहसमल ने पहाड़ी के नीचे नगर बचाया। उस पहाड़ी का नाम शरणवाही या सिरोही कहलाता है। इसी तरह भरतपुर का जो प्रादुर्भाव है वो जाट शक्ति के कारण था। गोकुल जाट ने अपने जाट भाइयों को औरंगजेब को कर देने से मना कर दिया था और उन्होंने विद्रोह किया, गोकुल बजा दिया। फरनाम स्वरूप गोकुल जाट औरंगजेब के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। उसकी मृत्यु हो जाने पर खानचंद ने जाटों के नेतृत्व संभाला और उसने छापामार नीति कर अपना कर अंगरंजेब के सैनिकों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उसके पौत्र राजा राम एक प्रभावशाली नेता सिद्ध हुआ। उसने छापामार नीति के फलस्वरूप 1668 में
अकबर के मकबरे सिकंदरा पर धावा बोल दिया, वहां से आभूषण व चांदी का किवाड़ लूट ले आया। इससे मुगलों के समक्ष जाटों की जो शक्ति था उसका एक भव्य प्रदर्शन हुआ, हालांकि उन्होंने उसके बदला तो ले लिया था। तो और उसने एक सशक्त अश्वारोही सेना का गठन भी कर दिया। तो जब 1713 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाने पर फिरोजशाह और जहांदर शाह के मध्य युद्ध हुआ तो चूड़ामन ने दोनों सेनाओं से रसद लूटी। विजय होने पर फिरोजशाह ने चूड़ामन को दिल्ली से चंबल घाट तक का राजमार्ग नियंत्रण दे दिया। तब उसने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से भरतपुर पर हमेशा जाटों का वर्चस्व रहा और ब्रजराज की ने उपाधि प्रदान की गई। भरतपुर राज्य का संस्थापक राजा बदन सिंह बना। तो एक तरह से मैंने बड़ा संक्षेप में आपको राजस्थान के विभिन्न राज्यों का इतिहास बहुत संक्षेप में समझाया है। आप इस वीडियो को पढ़ेंगे तो हर चीज़ और क्लियर हो जाएगी, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। धन्यवाद।